भाई मुझे नहीं पता क्या क्यों स्थगित हुई, ये तो मुख्यमंत्री बताएंगे। भैया विपक्ष को एकजुट करने का जो ये एक असंभव प्रयास मुख्यमंत्री कर रहे हैं, क्या दिखाएंगे बिहार को? क्या मुझे एकजुट इसलिए कीजिए कि आज बिहार में एक पुल गिरा है, हम देश भर में सारे पुलों को गिराएंगे? बिहार का अपराध का ग्राफ हम देश में भी दिखाएंगे, यही बोलते हैं ना, बिहार में दिखा है देश में दिखेगा। क्या दिखा भैया? अपराध, भ्रष्टाचार, यही देश में दिखाना चाह रहे हैं। और दूसरे प्रदेश के नेता आएंगे यहाँ के बढ़ते भ्रष्टाचार और बढ़ते अपराध को देखने, क्या कहेंगे अब? भाई मुझे नहीं पता क्या क्यों स्थगित हुई, ये तो मुख्यमंत्री बताएंगे। भैया विपक्ष को एकजुट करने का जो ये एक असंभव प्रयास मुख्यमंत्री कर रहे हैं, बताएंगे। हो सकता है कुछ नेताओं ने आने से मना कर दिया हो, अभी कुछ और मान मनोबल होगा। मैं बोल रहा हूँ भैया, विपक्ष अगर एकजुट होगा अभी तो इनके साथ, इनके सामने क्यों होगा? हाँ, क्या है इनके पास? क्या दिखाएंगे बिहार को? क्या मुझे एकजुट इसलिए कीजिए कि आज बिहार में एक पुल गिरा है, हम देश भर में सारे पुलों को गिराएंगे? बिहार का अपराध का ग्राफ हम देश में भी दिखाएंगे, यही बोलते हैं ना, बिहार में दिखा है देश में दिखेगा। क्या दिखा भैया? अपराध, भ्रष्टाचार, यही देश में दिखाना चाह रहे हैं। और दूसरे प्रदेश के नेता आएंगे यहाँ के बढ़ते भ्रष्टाचार और बढ़ते अपराध को देखने, कि बताएं भैया नीतीश जी कैसे आप बिहार में इतना अपराध करा लेते हैं? हम लोग भी अपने राज्य में कुछ सीख कर जाएंगे कैसे अपराध को बढ़ाया जाए। अब मुझे नहीं पता कि ये क्यों विपक्षी एकता की विपक्षी बैठक कैंसिल हुई है, बट आने वाला भाई इस्तीफे की मांग तो हम लोग करते ही हैं, पर कोई नैतिक जिम्मेदारी भी तो बनती है। हम लोग तो भैया जब इस्तीफे की मांग करेंगे तुरंत बोलेंगे आप लोग कि भाई आप राजनीति कर रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं, पर नैतिकता भी कोई आधार बनता है कि नहीं बनता है? अगर आपसे प्रदेश संभल नहीं रहा, अगर आपके पास फुर्सत नहीं है बिहार के और बिहारियों के लिए, आज जितना समय मुख्यमंत्री जी देश भर की यात्रा में लगाते हैं इसका 10% समय भी बिहार और बिहारियों के लिए दे दें तो संभवतः बिहार के हालात कुछ बेहतर हो सकते हैं। क्या नैतिकता इनके लिए आधार नहीं है? इंजीनियर है ना ये मुख्यमंत्री जी, डिप्टी सीएम के बारे में हम कुछ नहीं कह रहे, पर ये तो इंजीनियर अपने आप को कहते हैं भैया। इनके इंजीनियर होते हुए अगर बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर का ये हालात है, पुल जो आधे बनकर ही गिर जाते हैं, तो क्या नैतिकता आधार नहीं है? कौन जिम्मेदारी लेगा? जवाबदेही लोकतंत्र में तय होना बहुत जरूरी है और ये तय नहीं की जा रही है पिछले 18 सालों में, परिणाम हम सबके सामने। लेकिन पथ निर्माण मंत्री बायोम जो है मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान, जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी एंड 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच। बायोम हिनू एवं नगरा टोली रांची। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या और माँ बाबू जी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ, हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।